तो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में विंडो 8.1 को इंस्टॉल किया था, और इंस्टॉलेशन करते वक्त हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और कौन कौन सी चीज़ों का हमें सेटिंग्स पर ध्यान देना होता है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था। तो हमने इंस्टॉल करने के बाद हमने विंडोज़ 8.1 के अंदर कुछ ड्राइवर भी इंस्टॉल मैंने करके तैयार कर दिया था। तो दूसरी वीडियो में आपको बताया था मैंने कितनी टाइप की यहाँ पर एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन के अंदर मैंने कुछ बेसिक नॉलेज भी दी थी आपको मैंने, और विंडो 8.1 की छोटी छोटी कुछ यहाँ पर जानकारी दी थी मैंने, जो बेसिक विंडो 7, विंडो 8, विंडो 8.1 और विंडो 10 के रिलेटेड कंप्लीट है यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ कमांड भी मैंने बताया थे यहाँ पर, ओके कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है, साथ ही साथ मैंने कुछ एप्लीकेशन भी स्टार्ट करके बताई थी, ये सारी एप्लीकेशन वगैरह। तो आज हम यहाँ पर जो मेन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एक स्पेशल यहाँ पर एक विंडोज तैयार करके रखा है यहाँ पर, जो सेटिंग्स कहलाता है यहाँ पर। तो अभी तो ये विंडो 7 के अंदर नहीं है ये, लेकिन विंडो 8, विंडो 8.1, विंडो 10 के अंदर यह सेटिंग्स अवेलेबल है। तो अगर मैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज पर क्लिक करूँ माय कंप्यूटर के अंदर, और देख सकते हो कि यहाँ पर विंडो 8 लिखा, नहीं विंडो 8.1 लिखा है। लेकिन आपको ध्यान से देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर विंडो, यहाँ पर देख सकते हो कि विंडो 8.1 इस तरह से लिखा हुआ है यहाँ पर, देख सकते हो यहाँ पर। तो विंडोज़ 8 और 8.1 के अंदर क्या डिफरेंस है, विंडो 8.1 क्यों बनाना पड़ा यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को, यहाँ पर कौन से यहाँ पर चेंजिंग लाना पड़ा, तो मैंने भी बताया था आपको पिछली वीडियो में। तो वीडियो जाकर देखिए, पहली वीडियो किस तरह से इंस्टॉल करनी है वो विंडो 8.1 को, और विंडो 7 की वीडियो भी देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम की। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, तो ये किस तरह से काम करता है यहाँ पर, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं कॉर्नर पर एक एरो करके ले जाता हूँ, यहाँ पर बता रहा हूँ पे कि यहाँ पर, तो ये क्या एक स्विच है, यहाँ पर एक स्विच करता है, यहाँ पर हमारे एप्लीकेशन से लेकर हमारे डेस्कटॉप पर डायरेक्ट ले जाता है यहाँ पर। तो ये हमारा सेटिंग्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक नया सेटिंग्स बनाया है यहाँ पर, एक यहाँ पर नया विंडो बनाया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पर राइट साइड देखोगे, तो यहाँ पर और एक यहाँ पर नया कुछ पेन वगैरह पर, राइट पेन बनाया है यहाँ पर, तो शेयर किया है आपको स्टार्ट मेनू, डिवाइस और सेटिंग्स वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर। तो आपने शेयर किए यहाँ पर ये कौन सा यहाँ पर, तो अगर आपने कुछ यहाँ पर ऐसे कुछ डेस्कटॉप के रिलेटेड यहाँ पर कुछ को शेयर करना है यहाँ पर इमेजेस वगैरह, तो आप एंटर कर सकते हो यहाँ पर। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ ऑप्शंस वगैरह यहाँ पर एंटर दिए हैं यहाँ पर कुछ स्टार्ट मेनू में। तो अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पर इस पीसी सेटिंग्स के बारे में, तो ये सेटिंग्स का ये विंडो जो है नया बना है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, और हमारे यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर आप देख सकते हो कि कुछ यहाँ पर पिक्चर से, तो ये लॉक स्क्रीन जब होती है हमारी तो इस तरह से दिखा देती है, लेकिन ये अब भी ओपन नहीं होगा क्योंकि आपको ओपन करने के लिए विंडो को एक्टिवेट करना पड़ेगा, और दूसरा कि आपको विंडोज़ को उसकी की जो होती है वो एंटर करनी पड़ेगी। मैंने ये भी बताया था विंडोज़ 10 की सेटिंग्स के अंदर, वो आप विंडोज़ 10 की सेटिंग्स में जाकर आप देख सकते हैं यहाँ पर कस्टमाइज डिस्प्ले, फिर मैंने डिवाइसेस बताए थे यहाँ पर विंडो 10 की सेटिंग्स, सेम ही है सब कुछ, लेकिन यहाँ पर छोटा सा यहाँ पर अलग से इंटरफेस है बताया यहाँ पर विंडोज़ 10 के अंदर और विंडोज़ 8 के अंदर, 8.1 के अंदर। तो यहाँ पर लगभग 98.5% सेम ही यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ट्राई कर रहा है कोई नया डिवाइस ऐड है या नहीं, तो वो सर्च कर रहा है यहाँ पर। तो अभी तो मेरा फिलहाल कोई भी यहाँ पे इसको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने कोई भी नया डिवाइस जो है इंस्टॉल नहीं किया है, ना ही मैंने इसको ऐड किया है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ मैं यहाँ पर और भी यहाँ पर माउस वगैरह यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने बताया था कि विंडोज़ 10 की सेटिंग्स की इस प्लेलिस्ट के अंदर, कि यहाँ पर आप प्राइमरी माउस माउस बटन सेट कर सकते हो, लेफ्ट बाय डिफॉल्ट लेफ्ट ही होता है, जब हम डबल क्लिक करके ओपन करते हैं फाइल वगैरह, तो आप राइट भी रख सकते हो। फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ स्पेलिंग्स जो आप कीबोर्ड से टाइप करते हो तो चेक करता है यहाँ पर, ऐप स्विचिंग, जो ऐप स्विचिंग होती है मैंने आपको अभी बताया था, ये जो ये स्विच कर रहा हूँ यहाँ पर इस तरह से, इसको कहते हैं ऐप स्विचिंग। तो डायरेक्टली आपको एक्सेस करना हो कोई भी यहाँ पर डेस्कटॉप, जिस तरह से आप ऐप स्विचिंग कर सकते हो, लेकिन उसको आप बंद कर दोगे तो क्या होता है यहाँ पर, वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो
आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ स्विच कर रहा हूँ, फिर अगेन उसको मैं ऑफ करें तो क्या होता है, तो नहीं बताता है यहाँ पर, क्योंकि वो फैसिलिटी समय देता ही नहीं है। जैसे ऑन करता तो फिर से वो स्टार्ट हो जाएगा जैसे, तो यहाँ पर ओके। तो ये होता है यहाँ पर ऐप स्विचिंग का सेटिंग्स यहाँ पर ओके। अगर मैं यहाँ पर और भी यहाँ पर कुछ यहाँ पर नेविगेशन की बात करूँ यहाँ पर, तो ये नेविगेशन के लिए भी बता रहे हैं यहाँ पर। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ यहाँ पर क्लियर लिस्ट करना है, तो क्लियर लिस्ट कर सकता हूँ यहाँ पर ओके। तो कुछ एप्लीकेशन की लिस्ट हम क्लियर करते हैं यहाँ पर, तो इससे क्या होता है कि हमारे कुछ बेनिफिट होती है यहाँ पर इसको। और कॉर्नर नेविगेशन मैंने आपको बताया था, कॉर्नर नेविगेशन राइट साइड जो जो भी होता है वो, उस नेविगेशन के अंदर आपको किस तरह से सेटअप करना है वो आप यहाँ पर इस तरह से सेट कर सकते हो यहाँ पर ओके। कॉर्नर नेविगेशन ये, कॉर्नर नेविगेशन ये यहाँ पर दे सकते हो। तो अब आपको पता होगा विंडोज 7 के अंदर जब इंस्टॉल करने के बाद मैंने आपको कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम की, विंडोज 7 की जानकारी दी थी, लेफ्ट पेन और राइट पेन होती है, तो लेकिन यहाँ पर नेविगेशन होता है अब, तो राइट नेविगेशन, लेफ्ट नेविगेशन, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर और भी ऑप्शन है यहाँ पर। तो मैंने पहले से ये विंडोज 10 के अंदर समझा दिया था यहाँ पर, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एप्लीकेशन ऊपर से बंद करनी पड़ती है यहाँ पर, और जब हम उसको माउस से तब जाते हैं तब जाकर हमारा काम होता है। स्क्रीन ऑटो प्ले के बारे में बता दिया था विंडोज 10 के अंदर ये बताया था, और मैंने कंट्रोल पैनल के प्ले में भी ऑटो प्ले बताया था क्या होता है ऑटो प्ले, तो वो भी आप वीडियो जाकर देख लें। और यहाँ पर मैं डिस्क पिक्स की बात करूँ तो ये कुछ डिस्क की यहाँ पर कुछ यहाँ पर बताया था मैंने पहले से ही। पीसी इंफॉर्मेशन वही आपको, ये सब कुछ आपको विंडोज सेटिंग्स की इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, तो वो जड़क का वीडियो आप देखें। मैं तो सिर्फ आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर। अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर इस तरह से क्लिक करते हो रीनेम पे से, तो आप इस तरह से विंडोज 7 के अंदर नहीं देख पाओगे, विंडोज 7 के अंदर विंडोज एक्सपी के अंदर नहीं है इस तरह से सेटिंग्स। अगर आप डायरेक्ट कंट्रोल पैनल ओपन करना चाहते हो, कंट्रोल पैनल मैंने हर कंप्यूटर की कंट्रोल पैनल की सीरीज बनाकर रखी है पहले से, किस तरह से मैं पीसी का नेम यहाँ पर विंडोज 7 के लिए सिर्फ यहाँ से ही हमें पीसी का नेम चेंज करने को मिलता है। लेकिन हमारा पहला जो ऑप्शन होता है वो जब इंस्टॉल करते हैं तब हमें पीसी का नेम देना होता है, या तो वो डिफॉल्ट ऑटोमेटिक ले लेता है। दूसरा कि हमारा जो इस तरह से सिस्टम पर आना होता है, लेकिन हमें एक्टिवेट करना पड़ता है विंडोज़ को, तभी कुछ फीचर्स हमें एंटर करना होता है। देख सकते हो कि यहाँ पर मैं कुछ यहाँ पर वन ड्राइव होती है, तो वन ड्राइव एक नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट लेकर आया, ये इंटरनेट क्लाउड हो एक तरह का, जीमेल की तरह, तो वो भी बताता हूँ अभी। पहले आप देख सकते हो कि अभी मैंने इसके बारे में जानकारी मैंने दे दी आपको अभी। तो अकाउंट के अंदर आपको बता रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर लोकल अकाउंट, लेकिन अब तो यहाँ पर चौथा अकाउंट भी ऐड होता है यहाँ पर। पहला जो होता है स्टैंडर्ड अकाउंट, दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, तीसरा होता है लोकल अकाउंट, लेकिन चौथा जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का अकाउंट होता है। ये चौथा अकाउंट जो है नया इंटर इसलिए किया गया यहाँ पर क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी चाहती है कि उसकी जितने भी सिस्टम जो लोग यूज़ कर रहे हैं वो कितने यूज़र है, कितने टाइप के यूज़र है, तभी आप जब इसको आप एंटर नहीं करोगे आप अकाउंट के, तब तक ये कुछ कुछ भी सेटिंग्स करने नहीं देगा। तो हमें चाहिए यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट ओके। तो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के बिना हमें कोई भी हमें यहाँ पर एक्टिवेट विंडो नहीं करने देगा, यहाँ पे कोई चेंजिंग करने देगा, या तो सभी ऑप्शन ग्रे आउट आ रही है यहाँ पर और कोई भी एक्टिवेट नहीं है देख सकते हो हमें। और ये नई चीज़ एंटर की गई यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कि पासवर्ड, पिक्चर पासवर्ड और पिन, ये चीज़ें हमें विंडो 7 में नहीं मिलती, विंडो 10 के अंदर है, विंडो 8.1 के अंदर, विंडो 8 के अंदर है। और यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर रेड कलर का यहाँ पर लिखा हुआ कि ये अकाउंट के बिना ओपन नहीं होगा, तो हमें इंटरनेट चाहिए और हमें एक चाहिए एक अकाउंट। वन ड्राइव स्टोरेज एक क्लाउड स्टोरेज सिस्टम होती है यहाँ पर, जहाँ आप इंटरनेट के ऊपर अपनी फाइल सेव रख सकते हो यहाँ पर। अगर मे बी इनकेस आपकी हार्ड डिस्क फेल हो जाती है, या तो हार्ड डिस्क आपकी डिलीट हो जाती है, या तो भूल से कोई भी आपकी फाइल डिलीट होती है, तो वो वन ड्राइव करके यहाँ पर एक उसका सॉफ्टवेयर है जो ऑनलाइन सिस्टम देता है उसको स्टोरेज करने के डेटा को। तो ये अभी तो देख सकते हो कि अभी कोई भी हमारे पास कुछ है नहीं यहाँ पर, क्योंकि हमें दो चीज़ें जरूरी होनी होती है यहाँ पर, एक तो हमारे विंडो के एक्टिवेट करना चाहिए होता है, दूसरा हमारा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का अकाउंट होना चाहिए, तभी हमारा ये सिस्टम सभी यूज़ होगा। और मैं भी बताऊंगा मैं नेक्स्ट कुछ वीडियो के अंदर किस तरह तो क्लियर हिस्ट्री करना है, कुछ हिस्ट्री है कोई आपने सर्च किया है ब्राउज़र के ऊपर उसको क्लियर कर सकते हो आप यहाँ पर ओके। और यहाँ पर कुछ बिंग मैंने बताया था पहले से ही, ये जो बिंग ऐसे सिस्टम है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर हम जब गूगल स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, गूगल को
तो उसी तरह से यहाँ पर बिंग भी, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना बनाया यहाँ पर सर्च इंजिन, लेकिन हमने इंस्टॉल करते वक्त पहली और वीडियो बताया था, लेकिन दूसरी वीडियो के अंदर मैं प्रैक्टिकल करके बताया था कि यहाँ पर बिंग करके सर्च क्या होता है यहाँ पर। फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ शेयर करना यहाँ पर वगैरह कुछ भी यहाँ पर हो, यहाँ पर कुछ भी हमारा सिस्टम्स हो यहाँ पर, तो वो शेयर कब कौन सी फाइल करेगा यहाँ पर शेयरिंग ऑप्शन। तो मुझे कोई मेल को शेयर नहीं करना है, ना ही किसी पीपल के अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। म्यूज़िक का तो सिर्फ म्यूज़िक सुनना होता है, तो उसको क्या शेयर करना होता है। फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पर तो सभी मैंने ऑफ कर दिए, म्यूजिक कोई इंफॉर्मेशन या कोई भी डेटा मैंने क्लियर लिस्ट कर दी। मैंने नोटिफिकेशन जो हमें नोटिफाई करता है, हमें जो बताता है यहाँ पर विंडोज़, तो नोटिफिकेशन के अंदर विंडोज़ जो है वो अलग अलग एप्लीकेशन हो, या पर कोई हमें पेन ड्राइव हो, या कोई एरर हो, या कोई मैसेज हो, तो वो होता है नोटिफिकेशन, और वो हमें मैसेज देता है यहाँ पर। ओके, तो हमें जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन मैसेज मिलता है यहाँ पर आती है, वो विंडोज 7 के अंदर नीचे यहाँ पर आती है। तो जो भी हमारा जो होता है यहाँ पर एप्लीकेशन टाइप दे सकते हो यहाँ पर अलग अलग, तो हर एप्लीकेशन की साइज़ आप दे सकते हो, चेक कर सकते हो आप। और यहाँ पर आपको कस्टम डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन वगैरह यहाँ पर देख सकते हो, डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन से तो आप डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन क्या होती है मैंने आपको पहले भी बता दिया था विंडोज़ 10 की सेटिंग्स के अंदर। तो अगर मुझे कोई विंडोज़ चलाना है, कुछ म्यूज़िक सुनना है, तो मुझे इसी एप्लीकेशन पर चलना है, तो ये इसी एप्लीकेशन को ही एक्सेप्ट करेगा कोई भी म्यूज़िक का फाइल होता है वो। ओके, तो ये डिफ़ॉल्ट होता है, मतलब वो डिफ़ॉल्ट ही। अभी मुझे फिर से यहाँ पर आपको वही चीज़ आ गई यहाँ पर कि मुझे अकाउंट चाहिए होगा, मैंने पहले से ये सब कुछ बता दिया है यहाँ पर विंडोज़ 10 के अंदर, तो आप जाकर वहाँ देख ले यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ और हमें सर्च हिस्ट्री वगैरह यहाँ पर बताया, यहाँ पर तो बता दिया मैंने। यहाँ पर हमें कुछ यहाँ पर प्राइवेसी ऑप्शंस होती हैं यहाँ पर, तो मैंने पहले से इंस्टॉलेशन करते वक्त मैंने बंद करके बता दिया था आपको, क्योंकि वेब कैमरा कौन सा यूज़, तो ये इंपॉर्टेंट है। वेब कैमरा के अंदर आपका कैलेंडर एप्लीकेशन ऑफ रहना चाहिए, कैलेंडर को कोई वेब कैमरा की ज़रूरत नहीं होती है। फिर हो सकता है कि हम क्यों इस तरह से यूज़ करते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो होती है वो कोई भी हो सकता है यहाँ पर, और हैकर होता है तो वो क्या करता है, इस तरह से कोई सिंपल एप्लीकेशन होता है और आपने ऑन करके रखा है तो वो आपकी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। स्काइप के अंदर आपको वेब कैमरा चाहिए होता है, क्योंकि इसके अंदर वीडियो कॉलिंग होती है। यहाँ पर माइक्रोफोन जो होता है स्काइप के अंदर होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर वीडियो कॉलिंग के साथ साथ हमें वॉइस कॉलिंग भी मिलती है यहाँ पर, तो वॉइस रिकॉर्ड भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अलग से, मैं तो अपना अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता हूँ, पहले से ही मैं इंस्टॉल करके रखा है यहाँ पर रिकॉर्ड करने का, या और आप देखते और भी सेटिंग्स वगैरह है। ईथरनेट मैंने बताया था आपको, ईथरनेट वो होता है कि जो हमारे सिस्टम के अंदर इंटरनेट का काम करता है, नेटवर्क के सिग्नल को भेजने का और रिसीव करने का। यदि मैक एड्रेस है, मैक एड्रेस क्या होता है वो भी मैं हम नेटवर्क की सीरीज़ में पढ़ेंगे। और ऑटोमेटिक प्रॉक्सी सेटअप क्या होता है, तो प्रॉक्सी एक तरह की टेक्नोलॉजी है जहाँ पर आप अपना प्राइवेट जो नेटवर्क चला सकते हो, प्राइवेट नेटवर्क एक्सेस करते हो, लेकिन इसके लिए सर्वर चाहिए होता है, तो ये भी हम सर्वर की सीरीज़ में पढ़ेंगे। हम होम ग्रुप क्या होता है मैंने पहले से बना कर रखा है कॉन्ट्रापेन की प्ले लिस्ट में, आप देख सकते हो कि होम ग्रुप क्या होता है, किस तरह से यूज़ करना होता है। तो आप देख सकते हो किस तरह से आप अपना अलग अलग तरीके से आप सिस्टम यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ टाइम एंड लैंग्वेज वगैरह, तो मैंने पहले ही इंस्टॉलेशन टाइम, मैंने ये टाइम चेंज करके रखा था, इसलिए मुझे कोई ज़रूरत पड़ी नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ डेट एंड टाइम यहाँ पर ऑटोमेटिकली लिखा है यहाँ पर, डेट मीन्स का ये जो ऑटोमेटिकली ये यूज़ कर सकता है यहाँ पर, NTP प्रोटोकॉल से सेट कर सकता है। और मुझे कोई लैंग्वेज ऐड करनी है तो एडिशनल लैंग्वेज मुझे एंटर करने में ये खुद ही ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हेल्प करती है, मुझे किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि हिंदी है तो हिंदी को इंस्टॉल में कर लूँगा, तो ये जो लैंग्वेज है वो टाइपिंग करते वक्त मुझे बहुत ही काम आएगी। ओके, तो इस तरह से मैं स्विच कर सकता हूँ यहाँ पर। ओके, तो ये जो है यहाँ पर इस तरह से हमें बहुत ही बेनिफिट होता है यहाँ पर, हमें कोई भी लैंग्वेज हमें एंटर करनी होती है, कोई भी हमें लैंग्वेज यूज़ करनी होती है, तो हम क्या कर सकते हैं उसको स्विच कर सकते हैं यहाँ पर, एंटर कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर देख सकते हो कि यूज़र अकाउंट एंड यूज़र अकाउंट टाइमलाइन वगैरह आप देख सकते हो कि यहाँ पर हेयर टैक्स एंड नैरेटर वगैरह मैंने समझा दिया था। कंट्रोल के पेज में जा सकते हो, नैरेटर क्या होता है, मैग्नीफायर क्या होता है, स्पीच रिकॉग्निशन क्या होता है, तो कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे तो सब कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ये सब कुछ ईज़ ऑफ एक्सेस के बारे में। तो कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट में ईज़ ऑफ एक्सेस का वीडियो फाइंड करो, आपको पता चल जाएगा। अपडेट एंड रिकवरी क्या होती है, तो
मैंने कहा था अपडेट इन रिकवरी क्या होती है, कि अपडेट वो करती है कि जो हमारा सिस्टम के अंदर जो अपडेट होता है, यहाँ पर विंडोज़ 10 के सेटिंग्स के अंदर भी आपको ये अपडेट एंड रिकवरी मिल जाएगा यहाँ पर। ओके, तो विंडोज़ 10 के सेटिंग्स की प्लेलिस्ट के अंदर सब कुछ मिल जाएगा। और यहाँ पर विंडोज़ का जितना भी यहाँ पर कंट्रोल पैनल है वो 98% कम्प्लीट सेम ही मिलेगा यहाँ पर। आपको कोई भी यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो सिर्फ 2% के अंदर ही होता है कुछ यहाँ पर नया चेंज, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर वो कोई भी यहाँ पर चेंजिंग होता है। अगर आपको लगता है कि कंट्रोल पैनल में कुछ चीज़ समझ में नहीं आई या तो फिर आपको प्रॉब्लम लग रही, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। तो जैसे तो मैं यहाँ से ऊपर से एप्लीकेशन बंद कर सकता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर से ही यहाँ पर स्टार्ट मेनू फिर से हमारा स्टार्ट हो गया यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ और है यहाँ पर, आप एप्लीकेशन की चेंजिंग कर सकते हो, अनइंस्टॉल कर सकते हो यहाँ पर। तो अनइंस्टॉल क्यों करते हैं, क्योंकि हमें कोई चीज़ जरिए चाहिए, जैसे कि ये वेदर है, मुझे वेदर के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं इसको अनइंस्टॉल कर दूंगा, जिससे हमारा जो कंप्यूटर है वो फ्री चलेगा यहाँ पर, ज़्यादा उसके ऊपर लोड नहीं पड़ेगा। और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं फ्री हेल्थ, ये मुझे कोई काम का नहीं है, तो वो भी मैं यहाँ पर अनइंस्टॉल कर दूंगा यहाँ पर। देख सकते हो कि डेस्कटॉप के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर, फिर से यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ यहाँ पर टास्क मैनेजर ओपन करके बताऊँगा। तो यहाँ पर टास्क मैनेजर नया आता है यहाँ पर विंडोज 7 के बाद, तो टास्क मैनेजर की यहाँ पर डिटेल पर क्लिक करना होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मोर डिटेल के ऊपर, और यहाँ पर टास्क मैनेजर मिलता है। तो टास्क मैनेजर जो है विंडोज 7 से अलग है ये, क्योंकि यहाँ पर काम तो वही करेगा, टास्क के ऊपर काम करना है इसको, लेकिन उसका जो इंटरफेस है चेंज हो जाए। जैसे तो यहाँ पर परफॉर्मेंस पर क्लिक करते, तो इस तरह से यहाँ पर एक तरह का यहाँ पर अलग यहाँ पर और भी चेंज हो गया यहाँ पर। ओके, तो यही वो चीज़ें होती हैं यहाँ पर टास्क मैनेजर के अंदर विंडोज़। आप अगर आप अलग अलग विंडोज इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप यूज़ कर सकते हो। तो ये इस तरह के यहाँ पर आपको एप्लीकेशन मिल जाती है, मुझे इसी की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे न्यूज़ जो है नहीं मुझे चाहिए, तो मैं इंस्टॉल कर दूंगा। और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस वगैरह है, अगर आपको कोई एप्लीकेशन बहुत सारी है आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल, और आप चाहते हो कि मुझे कुछ ढूंढना है एप्लीकेशन, मुझे मिलने के बावजूद भी नहीं मिलती है। तो जैसे कि मान लो कि मैंने ढूंढता हूँ यहाँ पर कुछ कमांड प्रॉम्प्ट, तो मैंने कमांड प्रॉम्प्ट की कुछ वीडियो बनाऊँगा मैं, लेकिन मैंने कुछ विंडोज़ 8.1 के अंदर मैंने समझा था कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है यहाँ पर। ओके, जैसे तो यहाँ पर इस तरह से, तो यहाँ पर हमारा जो सिस्टम बेस्ड, यहाँ पर जितना भी मैंने ऑप्शंस है यहाँ पर, मैंने कंट्रोल पैनल के सीरीज़ में आप जाइए और हर कंट्रोल पैनल के यहाँ पर ऑप्शंस क्या यूज़ होते हैं, क्यों यूज़ होते हैं, किस तरह से यूज़ होते हैं यहाँ पर, और इसको किस तरह से आप बेनिफिट उठाए, तो आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। हम माई कंप्यूटर के ऊपर हम देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ मैनेज कर सकते हो, तो आप मैनेज का ऑप्शन यहाँ पर से डायरेक्ट ओपन कर सकते हो यहाँ पर, बिल्कुल सेम तरीका है यहाँ पर। अगर आपको कंप्यूटर मैनेजमेंट ओपन करना है यहाँ पर, दूसरा तरीका है आप एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में चले जाए, तो कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो कि कंप्यूटर मैनेजमेंट किस तरह से ओपन करना होता है, वो भी आप देख सकते हो यहाँ पर। फिर आप देख सकते हो कि तीसरी चीज़ की, आप यहाँ पर फाइल एक्सप्लोर पर आइए, यहाँ पर कंप्यूटर के ऊपर आइए, तो वहाँ से भी आप यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो। जैसे कि मैं बताता हूँ यहाँ पर, इस पर मैं क्लिक किया, मैंने डिस्क पीसी पर राइट क्लिक किया, तो वहाँ से भी मैं मैनेज को ओपन कर सकता हूँ, वही विंडो ओपन होगी, कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। अगर मैं इसको यहाँ पर डिलीट करूँगा, डिलीट का ऑप्शन नहीं होगा एक्टिवेट, क्योंकि ये जो है मेन इंपॉर्टेंट हमारा सेटिंग्स है। नेटवर्क के अंदर कोई आपका ग्रुप बना है, आपका कोई पीसी है, आपका इंटर है यहाँ पर नेटवर्क के अंदर, तो वो बताएगा यहाँ पर। तो देख सकते हो यहाँ पर मैं इसके भी वीडियो बना कर रखे कंट्रोल पैनल की सीरीज़ के अंदर, देख सकते हो नेटवर्क एंड सेल सेंटर क्या होता है। यहाँ पर मैं अपना आईपी एड्रेस बताता हूँ आपको, तो ये आईपी एड्रेस है देख सकते हो यहाँ पर, और आईपी एड्रेस के साथ कुछ मैक एड्रेस, कुछ फिजिकल एड्रेस, कुछ डीएनएस वगैरह यहाँ पर है, तो मैं वो भी बताऊँगा हमारे नेटवर्क की सीरीज़ के अंदर और हमारे सर्वर के अंदर। तो देख सकते हो कि यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर और भी यहाँ पर हमें कुछ सेटिंग्स मिलते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ यहाँ पर नेटवर्क्स वगैरह मत बता रहा है यहाँ पर, इथरनेट करके यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये सभी को मैंने वीडियो कंट्रोल पैनल के पेज में बना कर रखे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो। यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, तो कंप्यूटर की इस प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से मैं इसको समझना है, वो भी मैंने बताया कंट्रोल पैनल की पेज में, तो आप जाकर देखो आपको पता चलेगा और भी आपको समझ में आएगा। अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरा यूज़र है, यहाँ पर इसको साइन अप कर देता हूँ, तो साइन अप करने से क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हो मैंने इसको साइन अप कर दिया। तो अगर मैं साइन अप करता हूँ, तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर देख सकते हो कि ये विंडो जो है बंद हो गई है यहाँ पर, ओपन हो गई यहाँ पर। मैंने अब मैंने लास्ट वीडियो में कुछ पासवर्ड मैंने एंटर करके बताया था, तो ये पासवर्ड एंटर करके मैं ओपन कर रहा हूँ अपना यहाँ पर देख सकते हो कि कंप्यूटर। तो ये हम रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर, देख सकते हो कि यहाँ पर फिर से यहाँ पर हम देख सकते हो कि अलग अलग यहाँ पर और भी हमें ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पर। तो ये जो हमारा दिस पीसी जो देख सकते हो कि यहाँ पर, तो हमें पासवर्ड से हमारा कंप्यूटर जो है सेफ होता होता है यहाँ पर,
और पासवर्ड हमारा जो बहुत सारे अलग अलग तरह के पासवर्ड हो सकते हैं, यहाँ पर डेस्कटॉप के कुछ बाय डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमें पिक्चर्स एड कर सकते हैं। कलर पर क्लिक करोगे तो आप पहले फर्स्ट ही ऑप्शन रखें, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड का ये जैसे तो पिंक कलर का है, हमारा जो विंडो बन चुका है, फिर कभी ब्लू बन जाएगा, फिर येलो बन जाएगा, तो ऑटोमेटिक चेंज होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा चेंज हो गया, यहाँ पर पीछे बैकग्राउंड का, यहाँ पर और भी यहाँ पर पिक्चर चेंज कर सकते हो आप यहाँ पर अपने तरीके से। ओके, तो ये अभी ये ऑटोमेटिक होगा यहाँ पर उसकी। ये भी मैंने बताया यहाँ पर विंडोज कंट्रोल पैनल की सीरीज में आप जाकर देखो कि पर्सनल सेटिंग्स क्या होती है यहाँ पर, तो किस समय चेंज करना होता है डेस्कटॉप की कुछ यहाँ पर वॉलपेपर वगैरह यहाँ पर देख सकती हैं। यहाँ पर तो बहुत ही यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर कंट्रोल पैनल की सीरीज में आपको सीखने का मिलेगा। यहाँ पर आपका कंप्यूटर और एडवांस हो गया होना चाहते हैं, करना चाहते हो आप, और आपको और अच्छी तरह से यूज़ करना है तो आप कर सकते हो। आप कोई ग्रुप क्रिएट कर सकते हो यहाँ पर। ओके, तो मुझे कोई भी यहाँ पर ग्रुप नहीं क्रिएट करना है, मुझे सिंपल आपको रखना है बताना है यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ये जो आप देख सकते हो कि ये टाइल्स वगैरह यहाँ पर देख सकती हो, तो वो भी आप माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मेरे सोशल कॉमर्स एंड एंटरटेनमेंट चैनल है ये, और इस चैनल के अंदर आपको सब्सक्राइब कर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर सब्सक्राइब कर क्लिक करने से आपका जीमेल आईडी के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके अकाउंट के ऊपर आपका जो यूट्यूब का जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, जो भी आपका मोबाइल के अंदर आप यूट्यूब चला रहे हो, या तो फिर आपको ब्राउजर वाइज आप यूट्यूब चला रहे हो, तो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। मैं तरह तरह की वीडियो यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ, फिर हर एक टाइम के अंदर आपको बताता रहेगा कि कौन कौन से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरी सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ये कंट्रोल पैनल की सीरीज़ की प्लेलिस्ट है, तो मैं कहूँगा कि ये सारे पार्ट वाइज है, तो पहले पार्ट वाइज ही ये वीडियो देखे तभी आपको पता चलेगा। और यहाँ पर दूसरी प्लेलिस्ट है यहाँ पर विंडोज़ की, तो विंडोज़ 10 के अंदर कौन कौन से सेटिंग्स है, तो ये भी प्लेलिस्ट है। तो सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ज़्यादातर नोटिफिकेशन मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।